लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का रुख क्या है। तो आप एक बात तो लगातार देख रहे हैं, जो भी यूएन में एक्शन लिया जा रहा है या प्रस्ताव आ रहे हैं, भारत वोटिंग से खुद को दूर रखे हुए है। यूक्रेन पर हमले को लेकर 26 फरवरी को यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया था, आपको याद होगा, भारत ने उससे एब्सटेन किया था, रूस ने वीटो का तब इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को गिरा दिया था। आज की बात करें तो यूएन जनरल असेंबली की बैठक से भी भारत ने खुद को अलग रखने का फैसला किया है। यूएनजीए की आपात बैठक में भारत शामिल नहीं। और रूस यूक्रेन के बीच की जंग में दोनों ही देश झुकने या रुकने के मूड में नहीं है, कहना चाहिए डटने के मूड में है। और यूक्रेन के ऑयल डिपोज और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाने का सिलसिला रशियन फोर्सेस द्वारा लगातार जारी है। और उसके बाद चिंता की बात यह है कि रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से रूस के न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है, उसके बाद दुनिया भर में चिंता है, आशंकाएं हैं कि कहीं ये परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो जाए। अमेरिका ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। नेटो ने कहा पुतिन के बयान को बेहद खतरनाक माना जाना चाहिए। यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो फोर्सेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूबी देवनाथ है। सर, सबसे पहले आज जो तस्वीरें आई हैं जिसमें एक बार फिर से ऑयल डिपो को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, कीव के बेहद करीब बताए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस, 5 किलोमीटर लंबा उनका काफिला बताया जा रहा है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स का सिलसिला जारी है। देखिए, जो ऑयल डिपो को टारगेट किया गया उसी की तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जल्दी से आपका एक कमेंट। जी हाँ, ये दिखाता है कि रूस बातचीत के पहले अपना दबाव फुल फोर्स के साथ बनाए रखना चाहता है। अब जो बातचीत शुरू होने वाली है उसमें रूस ये दिखाना चाहता है यूक्रेन की लीडरशिप को कि देखिए आप हमारी बात मानकर चलिए, और यूक्रेन की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको कोई भी मैन्यूवरिंग स्पेस देने की रूस की कोई गुंजाइश नहीं।